शांति। दिवाली आई है, आप सर्व को दिवाली की बहुत बहुत मंगलकारी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आपके जीवन के अंदर सदा समृद्धि, संपत्ति और आध्यात्मिक उन्नति बनती चले, यही हमारी आपके प्रति शुभेच्छा है। दिवाली यह एक ऐसा उत्सव है जो उत्सव हमें पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान पवित्र बनाने की और बनने की प्रेरणा देता है, हमें पवित्र बनाता है, पूज्य पद दिलाता है और मंदिरों में हमें प्रस्थापित होने का हक और अधिकार देता है। यह दिवाली का उत्सव उमंग और उत्साह भरा है, क्योंकि यह दिवाली के दिन ही दीवों को जागृत होने का समय है। दीवे अर्थात आत्मा रूपी दीपक को जागृत होना, जागृत होने से मतलब ज्ञान की जागृति, स्वस्मृति की जागृति, परमपिता परमात्मा के साथ हमारा जो पवित्र संबंध है उसकी जागृति, जिसको कहते हैं ज्ञान का प्रकाश। तो ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करने का और दीपक को जगाने का यह उत्साह और उमंग का उत्सव है। इस उत्सव से हम सभी अपने अपने दीपक को जगाकर, अनेक आत्माओं के दीपक को जगाकर और उनको अनेक जन्मों की उनकी मुक्ति और जीवन मुक्ति की जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर सकते हैं। यह दिवाली रिद्धि और सिद्धि को प्राप्त करने का महान उत्सव है। यह दिवाली हमें जागृति ज्योत परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा के समीप ले जाने वाला सबसे बड़े ते बड़ा महान उत्सव है, क्योंकि सबसे सारे कल्प में यदि सबसे ऊंचे ते ऊंची खुशी हमें प्राप्त होती है तो वो है हम अपने प्रभु से, अपने ईश्वर पिता से, अपने परम पिता से जो बिछड़े थे हम मिलते हैं, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा जो जागती ज्योति है वो आकर स्वयं हमारी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। और यही सत्य ज्ञान हमें दीपक की लौ की तरह, वह राजयोग की दृढ़ता का, शक्ति का अनुभव कराता है कि हम ही इस सृष्टि के अंदर प्रभु के अमूल्य रत्न हैं और हम अमूल्य रत्न ही दिवाली पर सभी को सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता ज्ञान और शक्ति, हम जो भी रत्न जिसको भी लुटाने चाहें हम उनको, उन रत्नों को दे सकते हैं। और हम जितने दीपक जिसके भी जगाने चाहें हम जगा सकते हैं। तो ये है दीपकों को जगाने का बड़ा भारी उत्सव, ये है पिता परमात्मा की परम पवित्र स्मृति और स्मृति के साथ सबसे ऊंचे ते ऊंचा वह संबंध जोड़ने का उत्सव, जिस संबंध को जोड़कर हम झूठे स्वार्थी धोखा देने वाले या फिर लेने की ही सिर्फ इच्छा रखने वाले
या दुखदाई सर्व संबंधों से हम मुक्त होते हैं और हम सबकी सुख देकर सुख लेकर दुआएं देते हैं और दुआएं लेते हैं। तो ये है दुआओं से झोली भरने का उत्सव। आशा करती हूँ दिवाली के इन 4-5 दिनों के अंदर ना किसी को दुख देंगे ना दुख लेंगे, और ये 4-5 दिन के अंदर ऐसा अभ्यास कर लें कि आप कभी भी किसी को भी मन वचन कर्म से ना दुख दें और ना दुख लें। अच्छा, फिर से दिवाली की आपको शत शत बधाइयां हो, और खूब अपने घरों के अंदर दीपकों को प्रज्वलित कर अपने भीतर के अंधकार को नष्ट कर और भीतर को रोशनमय करें। ओम शांति।